मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा और अराजकता के लिए कांग्रेस हमलावर है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काले वस्त्र धारण कर गांधी प्रतिमा के समक्ष घटना के विरोध में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने हिंसा रोककर मणिपुर में शांति बहाल करने के साथ ही महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले अपराधों को फांसी की सजा देने की मांग कर निर्वस्त्र करके घुमाने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग कर मणिपुर सरकार का इस्तीफा मांगा। इस मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि पूरी घटना बहुत शर्मनाक है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। उसी अमृतकाल के बीच देश में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। मसूद ने कहा कि पीएम मोदी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांग कर तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ना देश के आज़ादी के मतवालों ने ऐसा दिन सोचा होगा और ना हमने कभी ऐसा सोचा था कि हमारी महिलाओं के साथ, माँ बहनों के साथ इस तरह का गंदा व्यवहार भी इस देश में होगा। लेकिन जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने बोई है, ये उसी का परिणाम है जिसको हम लोग अक्सर कहते रहे कि नफरत के बीच रोको, मोहब्बत के बीच चलाओ। यही पैगाम राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो में दिया था, क्योंकि ये देश की संस्कृति है कि इस देश को बर्बाद करने से बचाने के लिए हम सबको मोहब्बत करना पड़ेगी। और जो हाल मणिपुर में हुआ है वो शर्मनाक है और एक के बाद एक वीडियो आ रहा है, एक महिला को सड़कों पे घुमाया जा रहा है। वो 75वां वर्ष बड़े शान से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं, तो उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी आज़ादी के 75वें वर्ष में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और एक महिला का सर जिस तरह से कत्ल किया जाता है वो शर्मनाक है। मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को सदन में सबके साथ और देश से, पूरे भारत देश से माफ़ी मांगना चाहिए। तो 500 रुपये का फोटो मैं भी भेज देता हूँ। आज के मुद्दों को लेकर भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के साथ आप आए हैं, ऐसे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं, क्या मामला है? देखिए, मणिपुर में जो घटना महिलाओं के साथ घटित हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है। 2 महीने तक प्रधानमंत्री खामोश, मुख्यमंत्री खामोश, राष्ट्रपति बिल्कुल मौन बैठी हुई हैं। आज देश पूरा कहाँ जा रहा है? आज देश के अंदर जो अराजकता का माहौल पैदा किया गया है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है। आज वहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे पूरा देश में एक आक्रोश है। एक महिला, 2 महिलाओं को जिस प्रकार से नंगन कर घुमाया गया है और घुमाने के बाद उनकी रिपोर्ट भी सही से नहीं लिखी गई है कि देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो आदिवासी महिलाएँ थीं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और उसके बाद रिपोर्ट तक लिखने में सरकार ने नाकामी की है। इसलिए मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए, प्रधानमंत्री इस पर संसद में बयान दें। इस मांग को लेकर के आज भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी, जो हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं, आज मणिपुर की आम जनता के लिए उनकी महादेश में प्रदेश में शांति कायम हो, मणिपुर सरकार बर्खास्त हो, इस मांग को लेकर के आज गांधी प्रतिमा के समक्ष काले कपड़े पहन करके विरोध स्वरूप यहाँ धरने पर बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।